तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, बिना कोई टाइम गवाए अपन वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले गॉड बॉट के बारे में। तो ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के जो MVP प्लेयर थे, मतलब जो MVP की लिस्ट में टॉप पे चल रहे थे गॉड बॉट, उनकी आईडी हो चुकी है बैन। 60 दिन को उनको बैन पड़ा है एंड कम्युनिटी में इसी बारे में बात चल रही है। एंड बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि पहले जिन अंडरडॉग्स पे ब्लेम लगते हैं, मतलब एलिगेशंस लगते हैं, उन्हीं की आईडी बैन क्यों जाती है? बेचारों के साथ सब इन्हीं के साथ क्यों होता है? बेसिकली बहुत लोग अभी ये बोल रहे हैं। एंड गॉडबॉट की साइड से भी रिप्लाई आया, तो मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो गॉडबॉट ने स्टोरी लगा के लिखा, ऑल हु आर सेइंग माय अकाउंट इज बैंड, आई हैव ऑलरेडी पुट अ स्टोरी 3 डेज अगो दैट माय अकाउंट वाज हैक्ड एंड नोबडी हेल्प मी टू रिकवर एंड नाउ इट्स बैंड बाय द हैकर एंड ऑल द ब्लेम इज ऑन मी। एंड यहाँ पर उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करे थे एंड उनका कहना यहाँ पर बेसिकली ये था कि 3 दिन पहले उन्होंने स्टोरी डाली थी कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन जब उनकी किसी ने मदद नहीं करी एंड अब जब आईडी बैन हो गई तो सब उन पर ब्लेम डाल रहे हैं। एंड उन्होंने आगे प्रूफ्स में जो स्क्रीनशॉट डाले थे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप पॉज करके पढ़ लेना। एंड फिर उन्होंने एक मेल भी दिखाया था, मेल का स्क्रीनशॉट डाला था जो कि उन्होंने क्राफ्टन को और मैनेजमेंट को करा था। उसमें उन्होंने लिखा था, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, माई नेम इज़ अंश, ऑल्सो नोन एज GS Eclipse, रिप्रेजेंटिंग टीम ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन ऑन अ क्रिटिकल इशू इन्वॉल्विंग वन ऑफ आर प्लेयर विपुल, दैट इज GX Godbot। इट हैज़ कम टू आर नोटिस दैट विपुल्स गेम ID हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज, लाइकली ड्यू टू अ फिशिंग अटैक। Despite his attempts to recover the account, he has been unsuccessful. We are reaching out to inform you all of the situation as it is imperative to ensure that the account is not being utilized malicious purposes. एंड आप पूरा पॉज करके पढ़ सकते हो। बेसिकली उनका कॉन्टेक्स्ट यही था कि जो गॉडबॉट है उनकी आईडी हैक हो चुकी है, उनके पास पूरा एक्सेस नहीं है आईडी का, तो कुछ भी अगर हैकिंग वाला है, जो भी अगर कुछ सस्पिशियस चीज़ होती है तो उसमें उनका हाथ नहीं है, वो पहले ही क्लियर कर रहे हैं। एंड फिर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था जो कि उन्होंने टेसरैक्ट या जो BMPS के एडमिन है उनको, उनका बेसिकली चैट का स्क्रीनशॉट डाला था। एंड बेसिकली यहाँ पर वो ये बता रहे थे कि फ्राइडे को उन्होंने मैसेज भेज दिया था कि गॉडबॉट का जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है, एक जो एक्सेस है वो हैकर के पास है, एक जो एक्सेस है वो गॉडबॉट के पास है। एंड बेसिकली यही पूरा रिप्लाई था गॉडबॉट के साइड से एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के साइड से। एंड अब इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड आईफ्लिक्स जब लाइव आए थे तो इसी बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने इस चीज पर रिएक्ट करा एंड रिप्लाई करते उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। BMPS टॉप फ्रैगर गॉडबॉट BGM ID banned for 60 days 2 days ago गॉडबॉट इट्स आवर स्टोरी। बहुत 2 दिन पहले पकड़ा, ये स्क्रीनशॉट लेके रखता भी कौन है? राइट, आई थिंक वो ये अभी ये क्या खेलने वाला पता है क्या? अभी ये क्या खेलने वाला पता है क्या? इसका ट्विटर आईडी कोई और लेके गया था, ये हैक हो गया था, मैंने पहले ही स्टोरी डाला था ना यार, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मैं एकदम लेजिट हूँ यार, यू नो। भाई मुझे बता कि अभी क्या करेगा, मतलब तुम बताओगी अभी क्या करेगा ऑफिशियल्स? पे लिखा हुआ है सक्सेसफुल रिपोर्ट ऑफ चीटिंग, ठीक है, सक्सेसफुल रिपोर्ट ऑफ चीटिंग। एंड यहाँ पे एक्चुअल में लिखा हुआ है ऑफिशियल बात की, एकदम पेपर टू पेपर देखेगा तो एग्जैक्टली यही लिखा है कि वी हैव वेरीफाइड दैट गॉडबॉट द प्लेयर यू रिपोर्टेड हैज चीटेड, यू नो, बेस्ड ऑन द प्लेयर्स हिस्ट्री ऑफ चीटिंग। ऐसे नहीं कि आजकल की ऐसा चालू किया, भाई मैं कल उठ के डाल दिया था, आज मेरी गांड मार दी, परसों मेरी चीट पकड़ा गया और मेरी बैन आ गया, ऐसे नहीं है। इट्स प्लेयर्स हिस्ट्री ऑफ चीटिंग, वी हैव बैंड दिस प्लेयर फॉर 60 डेज एंड रिमूव्ड ऑल क्राफ्टन। भी ना मजाक बहुत करता है बंदा, कांड तो कर रहा है ठीक है, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ चीटिंग, you know, we have verified that the player you reported has cheated, cheated करके बोल भी रहा है, there is a history of cheating करके भी बोल भी रहा है, और फिर 60 दिन का बस बैन दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलोरेंट थक भाई एंड सिड भाई के बारे में। तो कल वैलोरेंट के बहुत सारे जो कम्युनिटी के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लगाई थी, ट्वीट्स करे थे। एंड बेसिकली उन सबका कंटेक्स्ट यही था कि अभी जो PC कम्युनिटी, जो PC स्पोर्ट्स कम्युनिटी है इंडिया की, जो वैलोरेंट कम्युनिटी है वो सस्टेनेबल नहीं है। एंड उसके जो रीजन्स है वो ये है कि पहला जो है कि
जो प्लेयर्स है वैलोरेंट के, जो ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है। इको रीज़न ये है कि मल्टीपल टूर्नामेंट्स बैक टू बैक नहीं हो रहे, लैंड इवेंट्स नहीं हो रहे, प्राइस पूल बहुत कम है, जो ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है उनकी फैन फॉलोइंग कम है, जिस वजह से इतनी वॉचिंग भी नहीं आ पा रही है। एंड यही सब रीज़न है कि जो पीसी कम्युनिटी इंडिया की वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है एंड सस्टेनेबल नहीं है अभी। एंड इसी के रिलेटेड सबने ट्वीट्स करे थे, आर्यमन जो कि एनिग्मा के ओनर है, विली, ऋषि भाई, अन्ना, बहुत सारे लोगों ने इसे भी ट्वीट करे थे, उनका कंटेक्ट सब सेम था। एंड फिर थक भाई ने भी इस पर रिप्लाई करते हुए कुछ ट्वीट्स करे थे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने लिखा था, वेलो इकोसिस्टम वाले टॉपिक पे बहुत ओपिनियंस है, बट मोर देन प्लेयर्स अ लॉट ऑफ ऑर्ग ओनर्स आर सपोज टू बी ब्लेम टू ब्रिंग द इकोसिस्टम टू द स्टेट इट इज इन टूडे। जब मैं बोलता था सब गाली देते थे। और ऑल्सो एनी ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम नीड टू हैव एटलीस्ट $500,000 इन प्राइस पूल टू सर्वाइव। लाखों की सैलरी देकर XYZ इवेंट जीत के कोई फर्क नहीं है। अंडरस्टैंड द मार्केटिंग गेम कैन ओनली सेल व्हेन यू हैव अ मार्केट एंड व्हेन यू हैव प्रोडक्ट्स यू कैन मार्केट। अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ ऑर्ग्स फेल टू मेक ईदर वर्क फॉर देम, सो नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ग्लैड टू हैव करेक्टली विजन पीपल नेवर एग्रींग टू बिल्ड एट अ लॉस फ्रॉम डे वन एट द रेट गोल्डी एंड एट द रेट मॉटल। एंड फिर सेठ भाई ने भी इस पूरे चीज़ पर रिएक्ट करते हुए लिखा था, ऑल्सो एग्री द मार्केट गॉट सुपर इन्फ्लेक्टेड बिकॉज सम ऑर्क्स गेव वॉट एवर वॉज आस एंड देन रन आउट ऑफ फ्यूल। एंड बेसिकली अभी वैलोरेंट कम्युनिटी में यही सब चल रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट में बात करते हैं आईफ्लिक्स के बारे में। तो जैसे कि हमको पता है कि आईफ्लिक्स ने ओपिनियन दिया था हाइड्रा के ऊपर, एंड फिर जब डायनोमो लाइव थे तो उनको ऐसी एक चैट आई थी कि आईफ्लिक्स कुछ भी बोल रहा है हाइड्रा के बारे में। तो डायनोमो ने ऐसी बोला था, मतलब जिसकी टीम 76 पोजीशन पे, उनका ओपिनियन आप कहाँ सुन रहे हो। डायनोमो का बेसिकली रिप्लाई यही था कि अपन स्टैंडिंग्स के आपसे बात करेंगे। उनको बेसिकली सबसे पहले तो ये लगा था कि जो हैदराबाद हाइड्रा से फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुई है। एंड यहाँ पर डायनोमो का सबसे पहला रिप्लाई यही था कि अपन फाइनल्स के परफॉर्मेंस पर बेसिकली अपन बात करेंगे। फिर उनको पता चला कि हैदराबाद 76 पोजीशन पे, तो उन्होंने बोला था कि उसका ओपिनियन क्या ही सुनना जिसकी खुद की टीम 76 पे। फिर जब आईफ्लिक्स लाइव आए थे तो इसी बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने रिप्लाई दिया डायनामो के ऊपर, एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। डायनो ने चैट सुनकर रिएक्ट किया, चिल करो, नो हेट फ्रॉम हाइड्रा, दीस आर फेक फैंस हु आर ट्राइंग टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, सो डोंट मिसअंडरस्टूड। डेफिनेटली ब्रो, आई मीन आई नो दैट ब्रो, आई मीन देखो ब्रो, बहुत सिंपल है। डायनामो का मैंने अभी खुद रिएक्शन देखा है, मैंने भी वो वीडियो देखा है, उसको किसी का चैट ने जाके उसको बोल दिया, वैसा सुपर चैट किया, तो उसको लगा कोई यू नो ऐसा वैसा भाई बंदा बोल रहा है, ऐसा है भाई उसका कुछ लेना देना, वो यू नो क्या बोलूं अभी, एक हेटर से ही जस्ट रिएक्टेड लाइक अ हेटर रिएक्टेड, दैट्स इट। ए हेटर ऑफ हाइड्रा जैसा रिएक्ट करता है वैसे उसने रिएक्ट कर दिया। डायनो ने अच्छा नहीं किया, अरे यार उसको पता ही नहीं है यार, उसका कहाँ पता है फ्लिक्स कौन है, उसको कहाँ पता है हैदराबाद हाइड्रास क्या है, उसको पता ही नहीं है, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, इज ऑलरेडी बिजी इन ऑल दिस अदर थिंग्स, उसको आइडिया ही नहीं था। उसका रिएक्शन देख के मुझे समझ में आ रहा था उसको पता ही नहीं है, किसी यू नो चूतिया ने उसको ये कर दिया, क्या बोलता है, सुपर चैट कर दिया और भग दिया कि भाई मैं हेट स्प्रेड कर रहा हूँ, और वैसे उसका मन में आ गया तो उसने बोला कि जब मेरा 77th यू नो मेरा रैंक में मेरा टीम था तो HH वहाँ पे दिखा, तो ये सब दैट्स फाइन ब्रो, इट्स फाइन, बट आई एम स्टेटिंग टू माई यू नो एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं अभी डायनामो भले अच्छा रिएक्ट करे, अगर मैंने डायनामो कल यू नो बुरा भी रिएक्ट किया तो भी मेरे को, मैं जो स्टेटमेंट दिया उसी स्टेटमेंट में हूँ मैं भाई। अभी अगर तुम्हें और कैसे मैं बताऊं ब्रो, देखो मैं इस टाइम पे विश्वास नहीं करने वाला, जब मैंने सैगी को देख लिया और सैगी को पकड़ा नहीं जाता तो एक टीयर 1 टीम में एक बंदा वहां पे हैकर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चल रहा होता है ब्रो। आजकल चूतिया बना ही सकते हैं ब्रो, पूरा एनिग्मा को चूतिया बनाए दे तो भाई एक दिन मेरे को भी चूतिया बना सकते हैं, एक दिन डायनामो को भी बना देंगे, मैं बता रहा हूं। आजकल इतने आराम से हैक्स बिकता है ब्रो, बहुत ईजी है, तुम आराम से चीट करके आगे निकल जा रहे हो ब्रो, तुम फाइनल सरकार है ब्रो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ना अपने पास, नहीं है क्या? ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है ना जो टीयर 1 में बैठ के हैक कर रहे थे, ये सब छोड़ो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है ना जो लैन पे जाके भी किए कांड। तो I will always, देखो मेरा fact to fact रहता है bro. Let me tell you why I am also very much, you know, I put the statement even without any doubt or anything. It's simple state fact. मैं गया था DreamHack में, मैंने वहाँ पे भी Hydra officials थे, LAN पे उनकी performance देखे, वहाँ पे LAN पे तो मेरी HH Academy team ने hashtag 2 आए थे। I mean, it should be there in the Nordwinds कर रहा है, ठीक है। मैंने LAN पे performance देखा, अचानक जब मेरे को performance में इतना hike दिख रहा है तो मैं अभी का BGMI की सिचुएशन देखने के बाद मैं वो बंदा नहीं हूँ कि भाई मैं मतलब यू नो सब एकदम सही चल रहा करके बैठ के बैठे। मेरा हमेशा यू नो माइंड के अंदर वही रहेगा कि भाई मेरे को डाउट तो रहेगा ही, एंड होपफुली वो क्लियर करेगा तो अच्छी बात है। अगर लैंड पे मेरे को यू नो थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिख गया तो भाई समझो कि भाई लेजिट बंदे हैं, अच्छा खेलता है, क्योंकि
नेक्स्ट में बात करते हैं गॉडल के बारे में। तो जो गॉडल के कोच है जब वो लाइव थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि क्या जो गॉडल के फिफ्थ प्लेयर का ट्राई आउट हो रहा है क्या, तो उसका रिप्लाई था तो उन्होंने कहा था कि अभी कोई ट्राई आउट नहीं चल रहा है। एंड नेक्स्ट में बात करते हैं एडविट के बारे में। तो मर्सी जब लॉक कर रहे थे तब वहाँ पर जूसी बात कर रहे थे जो वो क्वालिफाई हो गए उस बारे में, फिर गोल्डी भाई भी बात कर रहे थे, कुछ लोग ओपनली टारगेट करने की बात कर रहे थे एडविट को। एंड इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। तीन चार बार क्वालिफाई करके कैसा लग रहा है वो तो बताओ। बढ़िया लग रहा है बढ़िया लग रहा है। लास्ट के जो हम लोग दो दिन में जो हम लोग ने 3 पॉइंट निकाले थे उसके बाद तुमने टीम को क्या बोला? पहले तो मतलब बहुत सुनाया था क्योंकि हमारा मतलब डे वन निंदा गया था काफी, बट आज सुबह से मोटिवेटेड रखा था मतलब कि हो जाएगा। वो एक बार हम लोग मरने एक बार जो हम लोग जो गाड़ी में बैठ के जो मरे थे वहाँ पे माइटी क्या कर रहा था दिखाना। माइटी ऐसे हाथ में लेके फोन गाड़ी में बैठ के और तेल दिए वो तो 1v3 हो गए थे तब तो बहुत मतलब उस टीम ने हमको बोल रखा था कि हम तुमको हर मैच पे टारगेट करेंगे। हाँ। तो आज मतलब बहुत ही वो था कि मतलब हमको हर ड्रॉप चेंज करना पड़ा अपना। क्या पता हम सेम ड्रॉप में जाते और क्या पता टीम में एक स्लॉट खाली है तो जूसी बोल रहा था कि आदि भाई आप खेल लो। कौन बोल रहा था? जितने भी बैन के वो है ना 8-bot नहीं 8-bit बोलना आगे से और जो आए थे ना टीम अप करने तुम्हें तो मारने तुम्हें तो बाद में देखते हैं फेमस होना है ना करते हैं तुम्हें फेमस रुको थोड़े दिन बाद फेमस करते हैं ऑल चैट में 8-bit को मारेंगे हैं आओ। एंड बस यार अपने आज की वीडियो कर लेते हैं यहीं पर खत्म। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।